हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के नोट्स। आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सो आज मैं आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस जो सेकेंड बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरी है, हम उसको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का एलपीपी। सो एनी प्रॉब्लम ऑफ द टाइप, आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा और उसमें इस तरीके से कुछ इनइक्वालिटीज होंगी। a11x1 प्लस a12x2 प्लस .. a1n xn, फिर ये इनइक्वालिटीज है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और फिर b1। ओके, फिर सेम एज इट इज ऐसे ये भी रहेगा। फिर आप लोगों का लास्ट में क्वेश्चन में दिया रहता है x1 x2 .. xn where greater than or equal to 0 and maximum z or minimum z is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus .. cn xn is called LPP। इसे हम क्या कहते हैं, LPP कहते हैं। ALPP has three parts, LPP three parts में divide होती है। number first objective function, constraints or फिर restrictions। so the function which is of maximization or minimization is called objective function, इसे हम z से show करते हैं। फिर आता है constraints, the inequalities in given LPP are called constraints। फिर आता है restriction, the every LPP the given condition for variables always greater than equal to 0 which are called restrictions। ठीक है, एलपीपी टू टाइप से होंगी। यहाँ पर ग्राफिकल में आप लोगों का शॉर्ट मेथड ही रहेगा, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड जो रहेगा वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा। सो जब हम ग्राफिकल मेथड्स की क्वेश्चंस करेंगे हमें, तब ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा क्वेश्चंस जो हम करेंगे। ओके, नंबर फर्स्ट है कंसीडर ईच इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन, हमें सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में चेंज करना है। फिर प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ, फिर हमें इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, फिर है ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच लाइन, हमें इन जो हमारी लाइंस आएंगी उनकी रीजन फाइंड्स करने हैं। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ ऑल द लाइंस, हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना है कि कौन सा फिजिबल रीजन है। ठीक है, फिर फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, टेस्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिर हमें क्या करना है, लास्ट में टेस्ट करना है कि ये वाला जो फंक्शन हमारा आया है ये कैसा फंक्शन है। ठीक है, टेस्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा लास्ट में उसको हमें टेस्ट करना है। ठीक है, सो ये तो हमारे हो गए कुछ स्टेप्स, अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं आप लोग को ओनली वन क्वेश्चन बताऊंगी विद सॉल्यूशन, आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग को खुद करने हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जब खुद करेंगे उसके बाद आपका राइट आंसर आया है या नहीं आप लोग उस सॉल्यूशन से चेक कर लीजिएगा। ओके, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, हमारा ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर हमें दिया रहेगा ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। सो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2, अब ये मैक्सिमम हमें जेड दिया है और ये दी है हमें इक्वेशंस। सो 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन और इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 लेस देन और इक्वल टू 80, x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 0 से बड़ी है, ये 120 एंड 80 से छोटी है। ठीक है, सो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखा दिया, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कंसीडर ईच इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशंस, हमें ये इक्वेशन दी थी, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो 10x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी दी है हमें इसे चेंज करनी है इक्वल में, इक्वल करेंगे
120 लिखेंगे. ओके, सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 प्लस 20 की जगह 2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 12. सो अब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे एंड हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, 8x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 80. ओके, यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 8x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10. ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, जब हम x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 कितना होगा, 2x2 इज इक्वल टू 12. सो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 6 12, यानी कि x2 की वैल्यू 6 हो गई. x1 की जगह 0 रखा, x2 की वैल्यू 6 आ गई. ओके, अब हम जब x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू x1 की. सो x1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम रखेंगे x2 की जगह 0. सो x1 ऐसे ही रहेगा, तो x1 की जगह कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 12. x2 0 रखा, x1 की वैल्यू 12 आ गई, और x1 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी. इसी तरीके से अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अब हम सेकंड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x1 और x2 का. ठीक है, सो सेकंड की इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10. अब हम जब x1 की जगह 0 रख रहे हैं तो x2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 आ जाएगा 10, और जब x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 कितना आएगा, जब हम x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो x1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. सो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ वी प्लॉट द ग्राफ. सो गाइस, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है. आप लोग जब भी ग्राफ बनाएं तो ये लाइन लिखना ना भूलें, इसको ज़रूर लिखें. ओके, सो ये वाली लाइन हमारी x1 की है, ये वाली लाइन हमारी x2 की है. हमें जो वैल्यू हमारी आई है x1 और x2 की, वो क्या आई है देख लेते हैं. सो गाइस, x1 इज इक्वल टू 12 आया है, x2 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 10, x1 इज इक्वल टू 10. सो अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ये देखिए, x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू 12 है. तो अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे. एक लाइन हमारी ये बन जाएगी और सेकंड लाइन बनेगी ये वाली, 10 से 10 तक. ठीक है, x1 भी 10 था और x2 भी 10 था, तो एक लाइन ये ड्रॉ हो गई. अब हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना है. फिजिबल रीजन कैसे फाइंड होगा, देखिए हमारा कौन सा इसमें कॉमन आ रहा है जो दोनों लाइन से ढक रहा है. देखिए, ये x2 वाली लाइन ये वाली है, x2 वाली लाइन, और ये है x1 वाली लाइन. तो ये वाला रीज़न हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया. ठीक है, ये दोनों के अंदर आ रहा है तो ये वाला रीज़न हमारा आ चुका है. और ये आ गया है तो अब हम इसको इस तरीके से साइन यहाँ पर शो कर देंगे, जिससे कि ये नीचे इस वाली लाइन से नीचे की ओर बन रहा. इसे हम पॉइंट से शो कर देते हैं. ये वाला पॉइंट हमारा ओ हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, और ये वाला बी, और ये सी. अब हमें क्या यहाँ पर ये वाला पॉइंट फाइंड करना है. इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे नंबर ए पर पॉइंट हमारे क्या है, पॉइंट नंबर ए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या थे हमारे, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ए पर हमें पॉइंट शो कर दिए हैं, क्या है पॉइंट हमारे. बी पर हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, और सी पर हमारे पॉइंट आए हैं 0.6. बी सी पर हमारे पॉइंट है 0.6. ठीक है, और ए पर हमारे पॉइंट है 10.0. हमारी ये x1 और x2 वाली जो हमारी लाइन है, कहाँ पर इंटरसेक्ट की है, बी पर इंटरसेक्ट की गई है. तो अब हमें ये वाला जो पॉइंट है इसको फाइंड करना है. सो गाइज, बी इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन्स 1 एंड 2. जो लाइन हमारी 1 एंड 2 थी, उसमें जो हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट किया गया है वो बी पर किया गया है. तो अब हम इसको फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से.
सो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू 12, एंड सेकेंड थी एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स टू इज इक्वल टू 12 माइनस 10 2, तो हमारी वैल्यू आ गई 2। सो ये तो हमारी एक्स टू की वैल्यू आई है, अब हमें एक्स वन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वन की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी ये वाली, अब हम इसमें एक्स टू की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वन प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू 12। सो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस एक्स वन प्लस 4 इज इक्वल टू 12। सो एक्स वन इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, हमारा 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो एक्स वन की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ओके, सो हमारा जो बी के पॉइंट आए हैं वो आ चुके हैं 8,2। एक्स वन पर हमारा 8 आया है और एक्स टू पर हमारा 2 है। ओके, सो गाइज अब आती है बारी मैक्सिमम जेड को फाइंड करने की। हमने जितनी भी वैल्यू अभी फाइंड करी है, जितने भी पॉइंट्स हमारे आए हैं, वो अब हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे। एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख के देखेंगे। सो चलिए अब रख के देख लेते हैं वैल्यू को। सो पॉइंट जीरो पर तो यही रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि हम दोनों पर रख के देखते हैं जीरो जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा। अब हम ए पर चेक करते हैं, एट पॉइंट ए, ए पर चेक करेंगे तो जेड ए इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 0, क्योंकि हमारे पॉइंट जो आए थे वो 10,0 आए थे। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 120। फिर इसी तरीके से बी पर चेक करेंगे, बी पर आ जाएगा हमारा जेड वी इज इक्वल टू 12 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 128। सो पॉइंट सी पर हमारी 96 आए हैं। और अब बात करते हैं मैक्सिमम जेड की। सिंस जेड इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, सबसे ज़्यादा जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है पॉइंट बी पर। सो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। एक्स वन इज इक्वल टू, एक्स वन की वैल्यू हमने जो फाइंड करी थी वो आई थी 8 पॉइंट बी पर, और एक्स टू की आई थी 2, और जो हमारा मैक्सिमम जेड आया है, जो सबसे ज़्यादा आया है, वो आया है पॉइंट बी पर, कितना, 128। सो इस तरीके से ये आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इनको। फिर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है इसका, और इसी तरीके से ये रीजन्स, ये पॉइंट्स जो हैं इनको निकाले गए हैं। ये 50,0 है, 20,60 और 0,80, इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड की गई है। और फिर मैक्सिमम जेड में इन वैल्यू को रखा गया है, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें तीन इक्वेशन थी इसलिए ये लाइन तीन ड्रॉ की गई है। द गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड रीजन, इसमें बाउंडेड रीजन नहीं आया है, अनबाउंडेड रीजन आया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।